Dear students, hope you will be fine. I am also fine. Today I will tell you about your homework. Your first area is English. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम last से 3 days से जो है alphabets जो है ये हम repeat कर रहे हैं, तो आज हम लोगों ने दोबारा ये alphabet repeat कर दिए हैं कि A to A से लेकर आपने Z तक जो है ये सारे alphabet again write करने हैं और उसको again repeat करना है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए कौन सा alphabet आपने कितना write करना है और उसको कितनी लाइन में राइट करना है. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी इंग्लिश की वर्ड को जो है उसे ओपन करें. पेज नंबर 3 आपने कल जो है वो डन कर लिया था, आज हमने पेज नंबर 4 जो है वो डन करना है. यहाँ पर आपने ए टू सी जो है अल्फाबेट्स राइट कर लेनी है. ठीक है, ये आज आपका वर्क है. डियर स्टूडेंट, अपनी रीडिंग बुक जो है उसे ओपन करें. पेज नंबर 2, कल हमने पेज नंबर टू जो है हमने पढ़ लिया था, आज हम पेज नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है. B, B banana, B bar ball, B bar boy, B bar bag, B bar bus, B bar box. What is the color of your bag? Color the given box same as your bag color. आपने यहाँ पर उस कलर अपने जो बैग का आपका कलर है आपने वो यहाँ पर कलर कर देना है इस बॉक्स के अंदर. और आगे जो है लिखा हुआ है प्रैक्टिस राइटिंग बी, यहाँ आपने पेंसिल के साथ ट्रेस कर देना. डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट आइडिया इज उर्दू. कल हमने गाव तक जो है अली तक गाव लिख दिया था, आज हम राइट करेंगे लाम. आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लाम जो है राइट करके क्लास के अंदर कॉपी रेडी करके आपने नीचे जो है लाम जो है राइट कर लेना है. ओपन योर उर्दू नोटबुक, इस तरह देखें, आपने अपना क्लास का पेज रेडी करना है और नीचे राइट कर लेना है लाम. होमवर्क, अली तक लाम आपने यहाँ पर राइट कर लेना है. डियर स्टूडेंट, ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक पेज नंबर 3. कल हमने पेज नंबर जो है 2 जो है रीड कर लिया था, लेकिन आपने पेज नंबर 1, 2 और 3 तीनों जो है वो एक साथ रिवाइज कर लेने हैं. डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट राइट इज मैथ. आज हम लोगों ने कल 0 से 14 तक राइट कर लिया था, आज हमने 15 राइट करना है. 1, 5, 15. ठीक है, आपने इस 15 को नोटबुक पर जो है राइट करके तो नीचे जो है आपने मैनिकल राइट करना है. ओपन योर नोटबुक, ओपन योर मैथ नोटबुक. ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपने क्लास वर्क की अपनी कॉपी रेडी करनी है 15, और ये आपका होमवर्क है 0 to 15. आपने यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक कॉम्प्लीट राइट कर लेनी है. डियर स्टूडेंट, आपका होम टास्क जो है वो कम्प्लीट हो गया है. ठीक है, आपने अपना इंग्लिश का, उर्दू का और मैथ्स का काम बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत गहरी राइट करना. ठीक है, इंशाल्लाह आज तक मुलाकात होगी. आपने वो सब करके अला डियर स्टूडेंट, आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जितना भी हमने आपको होम टास्क दिए हैं, आपने थर्सडे तक अपना सारा होम टास्क जो कम्प्लीट करके फ्राइडे को सबमिट कराने हैं और मंडे को आकर आपने अपने सारा काम वापस दे देना है. ठीक है, जिसमें आपकी इंक्लूड है इंग्लिश की वर्कबुक और मैथ्स और उर्दू की नोटबुक, ये तीनों चीजें आपने सबमिट करवानी है स्कूल में आकर. ठीक है, और मंडे को जब आपका काम चेक हो जाएगा आपको वापस दे दीजिएगा. ओके, धन्यवाद.